आज हम ऑटिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपने बिहेवियर को लेके काफी रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, उनका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता और वो दिखने में अलग होते हैं। ऑटिज्म को अगर मेडिकल भाषा में बोलें तो इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है। अब बात करते हैं कि ये हो कैसे जाता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। इस कंडीशन के अंदर सोशल कम्युनिकेशन और इंट्रैक्शन करना काफी मुश्किल होता है। आपका जो बिहेवियर और इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है। आपको सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता है। आपके चलने और बात करने के तरीके से लोगों को पता चलता है कि आप एक स्पेशल चाइल्ड हैं। और आपका जो अटेंशन स्पैन भी जो होता है वो बहुत कम होता है। आप बहुत देर तक एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बॉडी के अंदर रिकॉग्नाइज कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है। तो ये 8 साल से नीचे के बच्चों को ये कंडीशन हो सकती है और ये अगर एक बार हो गई तो ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन रहती है। यूजुअली बच्चे इस कंडीशन के साथ पैदा होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ऑटिज्म होता है, बट एक्चुअल में वो रिफ्लेक्ट करने लगता है जब वो 12 महीने के या 24 महीने के हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो ऑटिज्म में होते हैं वो काफी सारी नई स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। वो 24 महीने के हो जाते हैं तो वो चलना भी सीखते हैं, वो बोलना भी सीखते हैं, बट बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा लेट सीखते हैं, बट अपनी अपनी स्पीड से सीख जाते हैं। बट हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वो 24 साल के होते हैं या वो 18 साल के होते हैं तो वो अपनी सारी स्किल्स भूलने लगते हैं और उसके बाद वो कुछ नहीं सीख पाते। इसी के कारण जब वो लोग 24 साल से थोड़े बड़े होने लगते हैं उनको बहुत डिफिकल्टी आती है फ्रेंडशिप निभाने में, रिलेशंस निभाने में, कम्युनिकेट करने में। इवन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि वो एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं, क्या उनको इरिटेट कर रहा है। इस वजह से उनका कम्युनिकेशन गैप बहुत रहता है। ऑटिज्म के अंदर बच्चों को काफी ज्यादा इरिटेशन भी होती है, उनको एंग्जायटी भी होती है, वो काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव भी होते हैं, इसीलिए उनकी थेरेपी भी बहुत जरूरी होती है। कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म होता है वो बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ अपने बच्चों को हैंडल करते हैं। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और आपको उधर कहीं पे भी स्पेशल चाइल्ड दिखता है तो कभी भी उनको ऑकवर्ड फील ना कराएं, कभी भी उनको ऐसा फील ना कराएं कि वो हमसे अलग है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी को ऑटिज्म है। इस चीज के कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता, इसका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता, ये जस्ट डॉक्टर ऑब्जर्वेशन से, बिहेवियरल एक्टिविटी से ही बता सकता है कि अगर किसी को ऑटिज्म है। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हेल्थ लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।